हेलो दोस्तों, यहाँ पर आज रीडिंग होने वाली है कि काली माँ दुर्गा माँ आपसे क्या संदेश देना चाहती हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, आपसे क्या कहना चाहती हैं कि आप क्या करें कि आपका जीवन जो है बहुत ही बेटर हो, बहुत ही अच्छा हो और आपको हर काम में सक्सेस मिले, सफलता मिले। देखते हैं, यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो आपको काली माँ क्या कहना चाहती हैं कि आपका जो लाइफ हो सक्सेस की तरफ बढ़े, सफलता की तरफ बढ़े। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस अर्जेंट आता है काली माँ की तरफ से। हेल्प मी काली माँ, थंडर बोल्ड, बहुत ही कंप्रोमाइज, द ड्रीम टर्निट, पेशेंस। यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे कार्ड निकल के आए हैं गाइज। यहाँ पे दिया जा रहा है कि पहला कार्ड ही थंडर बोल्ट का आया है, तो काली माँ कह रही है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जिससे आपकी पूरी जिंदगी हिल जाएगी, या तो बहुत अच्छी हो सकती है या तो बहुत खराब भी हो सकती है गाइज यहाँ पे, क्योंकि थंडर बोल्ट जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है, या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पर काली माँ ये बोल रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, यानी थंडर बोल्ट आने वाला है, यानी परिवर्तन हो सकता है कि वो बहुत ही बेटर हो जाए, और ये भी हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा खराब भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि मैं सही सही कार्ड के द्वारा बताती हूँ गाइज। तो यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है, डरिए नहीं कि बहुत ही खराब होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ें आपके जीवन में हो सकती हैं, अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं और थोड़ी बहुत खराब चीज़ें भी आपके लाइफ में आ सकती हैं, क्योंकि पहला कार्ड ही थंडर बोल्ट का आया है। और आपके जीवन में जो बदलाव आएगा वो बहुत बहुत आपके जीवन को ही बदल कर रख देगा, या तो बहुत ही बेटर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार हो जाएगा, या थोड़ा सा कुछ विषम परिस्थितियाँ आ सकती हैं गाइस, काली माँ ये बोल रही हैं। तो आप सावधान हो जाइए, अगर आपको मालूम है कि मेरे कुछ विषम परिस्थितियाँ आई हैं तो उसका भी आप उपचार कर सकते हैं। हो सकता है आप काली माँ का मंत्रों का जाप करते हैं, या जिस भगवान को आप मानते हैं उनको आप प्रेयर करेंगे कि हमारी जो खराब चीज़ें हैं दूर हो जाएं, तो वो भी दूर हो सकती हैं अगर आप प्रेयर करते हैं। तो यहाँ पे काली माँ बोल रही हैं कि अगर आप प्रेयर करते हैं अच्छी चीज़ हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर कोई विषम चीज़ आती है तो उसके लिए आप पहले से ही प्रेयर करेंगे कि हमारे जीवन में कुछ भी खराब ना हो, तो वो भी नहीं आएगा गाइज। यहाँ पर ये काली माँ आपको अर्जेंट संदेश देना चाहती हैं। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें अपने जीवन में, तब जाके आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो पूरी होती चली जाएंगी। थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, तभी आपको सफलता और सक्सेस मिलेगी, यहाँ पे काली माँ आपके लिए कहना चाहती हैं। और यहाँ पे ये भी दिया गया गाइस कि आप काली माँ के द्वारा, यानी जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उसका आशीर्वाद आपके सर पर है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आया है और इसमें थोड़ा सा मून होते होते पूरा फुल मून हो गया है। कहने का मतलब ये है कि आप मन से तो अशांत हैं, परेशान हैं, विषम परिस्थितियां भी आएंगी तो आप उसको सिचुएशन को आप आगे कर लोगे, खत्म कर दोगे गलत सिचुएशन को, विषम परिस्थितियों से उबर जाओगे, और आपके जीवन में काली माँ बोल रही हैं सुख आएगा, संपत्ति आएगा, समृद्धि आएगा, यानी यहाँ पर दोनों चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। अगर थोड़ा सा प्रेयर करते हैं कि ये ईश्वर सब अच्छा हो, तो वाकई आपके जीवन में सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव होने वाला है, यहाँ काली माँ बोल रही हैं। यहाँ पे कंप्रोमाइज का कार्ड आ गया है, तो कंप्रोमाइज इसमें हो सकता है कि आपको परिस्थितियों से थोड़ा सा समझौता करना पड़े यहाँ पर आपको, या अगर आपके सामने कोई भी ऐसी परिस्थिति आ रही है तो उसमें आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा आप उसको संभाल लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही बेटर रहने वाला है, काली माँ बोल रही हैं। अगर आपको थोड़ा सा झुकना है तो झुक जाएंगे, तो आपके लिए बेटर ही रहेगा, आपके लाइफ के लिए, आपके किसी भी सिचुएशन हो सकता है आपको झुकना पड़े, यानी हो सकता है कि अगर आपके लव लाइफ में खराब है तो थोड़ा सा आप झुक जाएंगे तो वो भी बेटर बन सकता है।
यानी आपको किसी भी चीज़ में आपको कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं तो करिए, तो आपके लिए काली माँ बोल रही हैं बेनिफिट वाला ही रहेगा, अच्छा रहेगा। यहाँ पे किसी किसी का द ड्रीम का कार्ड आया, तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं, आपकी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं, काली माँ बोल रही हैं। यहाँ पे प्यार से संबंधित आया, अगर आप कोई जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, लवर ढूंढ रहे हैं, या आपको कोई भी ऐसा प्रेमी मिलेगा जो आपका बहुत ही ध्यान रखेगा, ख्याल रखेगा और आपका बहुत ही मान सम्मान रखेगा। और जो भी आपकी मैनिफेस्टेज हैं, जो आपके जो सपने हैं, वो नौकरी का, जॉब का, या तो प्यार मिलने का, यानी जितने आपके ड्रीम हैं जरूर पूरे होंगे। यहाँ पे आपके लिए देवी माँ का आशीर्वाद है और यहाँ पे टर्न एट का कार्ड है, तो टर्न एट के लिए ये बताया जा रहा है कि आपके ऊपर कुछ तो ऐसी बाधाएं हैं गाइस, काली माँ बोल रही हैं, यानी बोलते हैं नज़र टोक या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आपको परेशान कर रही हैं, विषम परिस्थितियां उत्पन्न कर रही हैं। जैसे कोई नज़र नहीं लगाता है गाइस, या कोई कुछ ऐसा नहीं करता है, लेकिन किसी किसी की नज़र इतनी ख़राब होती है कि आपका बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है और आप उसमें सोचते हैं बीमार रहने लगते हैं, या आपको कुछ ऐसी तकलीफें आती हैं, तो आपको नज़र दोष है यहाँ पर, तो आप अपना नज़र भी उतार सकते हैं। और साथ ही साथ आप को यहाँ बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप अंदर से पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, स्ट्रांग बनेंगे, तो जो बैड एनर्जी है आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, आएगी छूकर चली जाएगी, काली माँ यहाँ बोल रही हैं। अगर आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनके मंत्रों का जाप करें, ओम का उच्चारण करें, या जो भी आप ईश्वर को मानते हैं उनको आप प्रेयर करें, या उनका नाम का स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, या स्तुति करते हैं किसी भी भगवान का, तो आपको इन बैड एनर्जियों से छुटकारा मिल जाएगा और आप जो गलत रास्ते पर जा रहे थे आप सही रास्ते पर आने लगेंगे। यहाँ पे ये काली माँ बोल रही हैं आपके लिए। देखते हैं कि टैरो कार्ड से काली माँ आपके लिए क्या कहना चाहती हैं। हैंगमैन यहाँ पे देखिए दोस्तों, थंडरबोल्ट और हैंगमैन यही बताता है कि आप थोड़ा स्टक स्थिति में हैं, आपको पूर्ण रूप से आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। काली माँ ये बोल रही हैं कि आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, यानी दुविधा में फंसे हुए हैं, थंडरबोल्ट में फंसे हुए हैं, और ये हैंगमैन ये बताता है कि आपको निर्णय लेने में तकलीफ हो रहा है गाइज। तो यहीं पे कंप्रोमाइज़ का भी कार्ड आ गया, यही समझ में आ रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि आप परिस्थितियों को समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर कोई भी परिस्थिति हो सकती है उसको समझने की कोशिश करिए, उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे या हार्ड वर्क करेंगे या उससे बाहर निकलेंगे। तो आपके लिए देख रहे हैं कितने ग्रीन ग्रीन फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, तो यानी आपके जीवन में खुशियाँ दोबारा आएंगी, दोबारा से खुशियाँ आपके जीवन में दस्तक देंगी और आप सफल भी बन सकते हैं। द पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आया। देखते हैं गाइज आपके लिए टैरो कार्ड से और क्या निकल के आ रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, यानी आप यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि हो सकता है किसी किसी के लिए जो है पैसे से संबंधित तकलीफें हों, परेशानियां हों, कठिनाइयां हों, आप पैसे को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा स्टक स्थिति में है। यहाँ पे इस कार्ड से भी क्लेरिफाई हो गया कि आप वाकई पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा रास्ता चुनूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ यहाँ पर, और आप इसको लेकर बहुत बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। तो काली माँ बोल रही हैं यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आया और आपको ये बात है कि आप थोड़ा सा धैर्य रखना ही पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करेंगे, थोड़ा सा अच्छा करेंगे या कठिन परिश्रम करेंगे, तभी जाके आपको मीठा फल मिलने वाला है। यहाँ पर कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा ही फल आपको मिलने वाला है गाइज। यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स आया, तो ये कार्ड ये दर्शाता है कि आपको वाकई बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है। काली माँ बोल रही हैं आप वाकई हार्ड वर्क करिए, मेहनत करेंगे। जैसे ये पर्सन है कितना मेहनत से काम कर रहा है, वो कारीगर है और बहुत अच्छे से पेंटिकल्स को बना रहा है, यानी आपको बहुत ही लगन लगाना पड़ेगा, या नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, या कोई ऐसा व्यवसाय करना पड़ेगा जिससे कि आपको बहुत बहुत धन लाभ हो। यहाँ पर काली माँ ये बोल रही हैं और वो मिलेगा ही,
तब मिलेगा जब आप बहुत ही हार्ड वर्क करेंगे, नई जॉब पकड़ेंगे, नया व्यवसाय करेंगे, तभी जाके आप इस हैंगमैन की स्थिति से बाहर निकलेंगे और परिस्थितियां जो हैं वो अनुकूल होंगी आपकी। गाइज यहाँ पर ये बताया जा रहा है, यहाँ पे पैसे की प्रॉब्लम ज्यादा दिख रही है गाइज आपके लिए। फोर ऑफ कप्स, आपको देखिए काली माँ ने स्वयं, देख रहे हैं ये कार्ड, देखिए गाइस ये देख रहे हैं बादलों में से कप निकल रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब है कि काली माँ बोल रही हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे अच्छे के लिए बहुत ढेर सारा चीज देना चाहती हूँ, लेकिन तुम हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, तभी जाके तुमको मीठा फल मिलेगा, तुम्हारे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा, तुमको ढेर सारा पैसा मिलेगा, ढेर सारा मान सम्मान यश मिलेगा, तुम्हारे सपने पूरे होंगे, लेकिन तुम हार्ड वर्क करो, मेहनत करोगे तभी तुम सक्सेस और सफल रहोगे, और तुमको मैं सब कुछ दूंगी। बस इतना तुमसे बोला जा रहा है कि थोड़ा कंप्रोमाइज करके, पेशेंस रख के अपनी स्थितियों पर काबू पाओ और तुम आगे बढ़ोगे, क्योंकि मैं तुमको हर चीज़ दूंगी, लेकिन यह है कि थोड़ा सा तुम अपना हार्ड वर्क करते जाओ, मेहनत करते जाओ, और तुम बहुत जल्दी से सक्सेस और सफल होगे, और तुम्हारे जितने भी ड्रीम्स हैं वो सब पूरे होंगे। गाइस काली माँ इतना प्यारा प्यारा संदेश आपके लिए दिए हैं, आप उनका कहना मानिए और ऐसे ही आप हार्ड वर्क करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए गाइस। और आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।